हेलो एवरीवन, MK500 सॉल्यूशन पे आपका स्वागत करता हूँ। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ हाउ टू डिजाइन हॉट स्पॉट लॉगिंग पेज। तो पहले मैं दिखा देता हूँ, मैंने हॉट स्पॉट पहले से ही कॉन्फ़िगर कर रखा है माइक्रोटिक के अंदर। ये हमारा हॉट स्पॉट ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इंटरफेस पे जाना है, ये हमारा वैन है, ये हमारा लोकल 2, 3, 4, 5, 6, 7 हॉटस्पॉट यहाँ पे हमारा ऑलरेडी लॉगिन है। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा हॉटस्पॉट लॉगिन है। हॉटस्पॉट लॉगिन हो जाने के बाद आप मिकमोन भी चेक कर सकते हैं, मिकमोन भी हमारा कनेक्टेड आ रहा है। अब मैं आपको हॉटस्पॉट का जो लॉगिन पेज है उसे डिजाइन करके दिखाता हूँ। ये मेरा पहले से डला हुआ, इसको मैंने रिमूव कर दिया। यहाँ से रिमूव हो जाने के बाद मेरा जो हॉट स्पॉट का पेज है वो मैं अब डिजाइन करता हूँ। तो लॉगिन पे जाना है, हॉट स्पॉट वाले ऑप्शन पे जाने हैं और यहाँ पे कनेक्ट 5G करके जो आ रहा है इमेज उसे मुझे चेंज करना है। तो पेंट पे जाने के बाद ये मैंने माउंटिंग व्यू टाइप किया था तो पहले से ही चेंज है। तो मैं यहाँ से अपना MK500 वाला पेज लोगो उठा लिया, यहाँ पे आ चुका है। ये हमारा MK500 का लोगो है। अब मैंने टेलीफोन नंबर भी डाल दिया है, लोगो भी डाल दिया है और उसका नाम भी डाल दिया है। अब मैं इसे सेव कर दूंगा। फाइल पे क्लिक करने के बाद सेव करना है और इसे एडिट हो जाना है। इमेज डाल देने के बाद चेक कर लेना है कि इमेज डाला है कि नहीं। देन मैं लॉगिन पेज पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर क्लिक करूंगा ताकि किसी को भी कोई इशू हो वो डायरेक्ट मुझे कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते। तो कोडिंग के थ्रू मैं इसे चेंज करूंगा। अगर आपको इस तरह का लॉगिन पेज या इसको किसी भी तरह का लॉगिन पेज आपको बनाना हो तो मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो कोडिंग ओपन हो जाने के बाद मैं कर्सर को थोड़ा नीचे ले जाऊंगा और यहाँ पे जो नंबर डला हुआ है वहाँ पे मैं अपना नंबर फिल कर लूँगा। ये हमारा यहाँ पे नाम और नंबर शो होने लगेगा। लोगों पे तो मैंने अपना नाम डाल चुका था, अब यहाँ पे नंबर भी मेरा लॉगिन पेज पे शो होने लगेगा। तो मेरा नंबर है 7 9 8 2 1 4 5 2 4 5। ये डाल देने के बाद फिर मैं इसे सेव कर दूंगा। आप नीचे भी देख सकते हैं कहीं का और कोई चेंजिंग नहीं करना है और ऊपर भी देख सकते हैं कहीं भी कोई चेंजिंग नहीं करना है। ये हो जाने के बाद हम इसे सेव कर देंगे। मैंने इसे अच्छे से चेक कर लिया है कि कोई भी ऑप्शन हो ना, तो सेव वाले बटन में जाकर सेव कर दिया। अब मैं इसे एडिट हो जाऊंगा। अब ये जो मेरा हॉट स्पॉट तैयार हुआ है इसे मैं इसके अंदर फिल कर दूंगा। थोड़ा कर लेता हूँ, माइक्रोटिक को इनवाइट कर लिया, हॉट स्पॉट पे ले जाकर फाइल वाले ऑप्शन पे इसे कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ये हमारा फाइल अपलोड हो चुका है। अपलोड हो जाने के बाद अब मैं आपको लॉगिन पेज वो कराता हूँ जो मैंने डिजाइन किया है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो लॉगिन पेज लाने के लिए आपको नेटवर्क वाले ऑप्शन पे जाकर इसे डिसेबल करके इनेबल करना है। नया पेज उठाने के लिए नया आईपी की जरूरत होती है, तो मैंने डिसेबल करके इनेबल कर दिया। जैसे ही इनेबल करेंगे कुछ ही सेकेंड में मेरा ये लॉगिन पेज ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ये देख सकते हैं कि मेरा लॉगिन पेज ऑटोमेटिक ओपन हो चुका है। MK500 नाम आ रहा है, लोगो भी आ रहा है और कॉन्टेक्ट नंबर भी साथ में आ रहा है। देन यहाँ पे मैं अपना वाउचर कोड फिल कर दूंगा। मैं आप दिखा सकता हूँ वाउचर कोड, तो IP हॉट स्पॉट पे जाना है और यहाँ से एक यूजर को कॉपी कर लेना है और वो जो लॉगिन पेज आ रहा है जहाँ वो वाउचर डालने का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे जाकर इसे फिल कर देना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये यूजर ऑटोमेटिक लॉगिन हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो क्या IP है, क्या मैक एड्रेस है,
सारा आ चुका है। तो इस तरह से हम माइक्रोटिक का हॉट स्पोर्ट, माइक्रोटिक के अंदर हॉट स्पोर्ट का लॉगिन पेज डिजाइन कर सकते हैं। मैंने 20 MBPS का डाल चुका है प्रोफाइल, वो 20 MBPS के अकॉर्डिंग ही स्पीड हमें मिलेगा। तो इस तरह से हम अपना हॉट स्पोर्ट का लॉगिन पेज डिजाइन कर सकते हैं।